हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय अंग्रेजी की। ये आपकी जो बुक है, आपकी ये न्यू बुक है 24-25 की। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं। पार्ट एक में दिया है आपका प्रेयर, पार्ट एक से लेके पार्ट 5 तक के जो है इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 में है प्रेयर, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्रमांक पहले में है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बटरफ्लाई इज, तो आपको जो है यहाँ पे लिखना है सी नंबर बटरफ्लाइज। इसके बाद आता है आपका सेकंड में है फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में है टू वूम वी थैंक फॉर एवरीथिंग, तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर गॉड। चौथे में आपको यहाँ पर लिखना है टीयर। पाँचवें क्वेश्चन में है नीड नो स्पीच, तो आपको जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा तीसरा प्रेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान वाले आपके क्वेश्चन हैं, तो आपको छठवें में जो है यहाँ पे आपको भरना है बुक्स, और सातवें में आपको भरना है ट्रीज, और आठ में आपको फादर, और नौ में आपको जो है भरना है थैंक्स, और दसवें में आपको भरना है क्लॉथ्स। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 में है राइट द नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स मेंशनड इन द पोयम, तो आपको जो है उत्तर में लिखना है मदर फादर सिस्टर ब्रदर प्लेमेट्स इटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बर्ड, तो आपका बर्ड का प्लूरल हो जाएगा बर्ड्स। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 में है राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ट्री, तो आपका जो है राइमिंग वर्ड हो जाएगा ट्री का हो जाएगा फ्री। इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में है रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, तो आपको आपका हो जाएगा क्लॉथ्स, यहाँ पे प्लेमेट्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा बुक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंग। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में है राइट एनी थ्री थिंग्स गिवेन बाय गॉड, तो आपको आंसर में लिखना है बर्ड्स ट्रीज मदर फादर। इसके बाद 17 में है व्हाट हैज़ गॉड गिवेन अस टू रीड, तो आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है बुक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 लाइन द प्लूरल वर्ड एंड राइट देम, तो यहाँ पे जो है आपको प्लूरल वर्ड में आपको अंडरलाइन करना है, तो आपको आंसर में लिखना है फ्लावर्स ट्री बर्ड्स बटरफ्लाइज बीज। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में है राइट 4 सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर, तो आपको जो है ये चित्र को जो है देख के आपको 4 सेंटेंस लिखना है। पहले में है जैसे लिखा है देयर इज ए मैंगो ट्री, दूसरा में लिखना है द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, थर्ड में लिखना है इट हैज़ ए पॉन्ड, चौथे में है आपका द बॉय एंड गर्ल आर प्रेइंग टू गॉड, फिफ्थ में है ग्रीनरी इज विजुअल ऑल अराउंड। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में है रीड द फॉलोइंग पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो यहाँ पे जो है आपका पोयम दिया हुआ है, इस पोयम को जो है आपको पढ़ लेना है, इस पोयम को पढ़ के जो है आपको आंसर लिखना है। पहले नंबर में आपको भरना है नीडेड, और सेकेंड में आपको लिखना है द पोयट आस्क जी डी ग्रांट एस स्ट्रेंथ विजडम एंड काइंडनेस इन आवर डेली जर्नी, तो इस तरह आपको लिखना है। थर्ड में आपको जर्नी लिखना है। इसके बाद आपका आता है फोर्थ में जो है आपको लिखना है चैलेंजेस, यहाँ पे आपका लव हो जाएगा कंपोजिशन, यहाँ पे आपका हो जाएगा हर्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट में आता है आपका फिफ्थ में आपको यहाँ पे भरना है कैन, तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेसन टू में है फेस द प्रॉब्लम, तो चलिए लेसन टू का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका नरेंद्र इज कैन एस, तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर स्वामी विवेकानंद। सेकंड का आपका राइट उत्तर हो जाएगा बेस्ट। इसके बाद आता है आपका तीसरा का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर सम फूड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फोर्थ का जो है आपका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड ऑन द घाट।
तो इस तरह लिखना है। इसके बाद फिफ्थ का है, फिफ्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे आपका खालिस्तान वाले क्वेश्चन है, तो आपको जो है सिक्स में भरना है मंकीज, सेवन्थ में भरना है स्टॉप और एट में भरना है इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज्ड भरना है। इसके बाद नौमा है, नौमा है इसको भर देना है स्नैच्ड। इसके बाद आता है आपका दस, दस में भरना है आपको कम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन में है, क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो है आपका उत्तर हो जाएगा, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ट्वेल्थ, तो आपके ये ट्वेल्थ का आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टीन, थर्टीन का आंसर हो जाएगा वर्ब्स, तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, फोर्टीन का आंसर जो है आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसके बाद आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आपका क्वेश्चन नंबर 16, तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, 17 में जो है मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर पास्ट फॉर्म, तो आपको यहाँ जो है मैच करना है, तो आपको यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप, क्वेश्चन नंबर 18 में है वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग, तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये आपका 19 है, तो ये आपका जो है यहाँ पे आपका ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को जो है आपको पढ़ के आंसर करना है, तो आपका ये पहला का आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका तीसरा, तीसरा में जो है इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ, आपका रहा फोर्थ का आंसर। इसके बाद आता है आपका ये फिफ्थ का आंसर, तो इस तरह से जो है आपको देख के भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, 20 में है कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन में जो है आपको भरना है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है हेडमास्टर, तो आपको लिख लेना है हेडमास्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे लिख लेना है आपको एप्लीकेशन भरना है सफरिंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पे आपको भरना है कम, यहाँ पे आपको भरना है ग्रांट, तो इस तरह से आपको जो है एप्लीकेशन में भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेसन थ्री, लेसन थ्री में है ए विजिट टू ए हेड स्टार सेंटर, क्वेश्चन आता है आपका, तो आपका पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर दीपक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा था सी नंबर कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद जो है आपका आता है थर्ड, थर्ड का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर क्लास फाइव। इसके बाद आता है आपका फोर्थ, फोर्थ का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर रनिंग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर जन शिक्षा केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान वाले आपके प्रश्न आते हैं आपके, तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो है यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे जैसे लिखा है तो आपको यहाँ पे देख के भर देना है। सात, क्वेश्चन नंबर सात में जो है आपको यहाँ पे बेस्ट भरना है। इसके बाद आता है आपका आठ, आठ में जो है आपको इसको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर नौमा, क्वेश्चन नंबर नौमा में जो है आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भरना है और दस में आपको इंटरेस्टिंग, तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा पेंसिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12, 12 क्वेश्चन में है सीपीयू भरना है आपको, आंसर करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, 13 का आंसर जो है ए टीचर्स ग्रीटिंग, तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 14, 14 क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे पहले में भरना है थ्री, दूसरा में हो जाएगा वन और तीसरे में हो जाएगा टू, तो इस तरह से आपको जो है देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में जो है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मैच द वर्ड विथ देयर सिनोनिम्स, तो यहाँ पे आपको मैच करना है, तो इस तरह से आपको देख के मैच कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में जो है यहाँ पे आपको सीपीयू भरना है, सीपीयू लिखना है, यहाँ पे कीबोर्ड, यहाँ पे आपका हो जाएगा माउस। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका मॉनिटर पेंटर, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17,
तो ये रहा आपका 17 का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18। आपको जैसे ये लिखा है ए बिग ट्री, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्मॉल ट्री। लिखा है ए हॉट पेन, तो आपका ये यहाँ हो जाएगा ए कॉल्ड आइसक्रीम। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे आपका जो है पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को जो है आपको पढ़ के आंसर करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पहले नंबर में ये आंसर आपको करना है। इसके बाद आपका सेकंड आता है, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद ये रहा आपका थर्ड का आंसर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका फोर्थ, आपको प्रोनाउन लिखना है। इसके बाद है आपका फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको डिस्कवर्ड। तो इस तरह से आपको जो है वीडियो को रोक के आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है लुक एट द पिक्चर एंड राइट फोर सेंटेंस अबाउट कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर के बारे में फोर सेंटेंसेस लिखना है। तो यहाँ से देख के जो है आपको फोर सेंटेंसेस लिख लीजिएगा। हमने सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप इसको देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेसन आता है आपका लेसन फोर। लेसन फोर में है द लिटिल प्लांट। पहला क्वेश्चन आता है आपका, पहला क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इन द हार्ट ऑफ ए सीड। इसके बाद दूसरा है, दूसरे का राइट आंसर होगा सी नंबर, ए फार्मर। इसके बाद आता है आपका थर्ड, थर्ड का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर सो डीप। इसके बाद है फोर्थ, फोर्थ का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सनशाइन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, वंडरफुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपका खाली स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, इसको जो है आपको खाली स्थान में भरना है। तो सिक्स में, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको सॉइल भरना है, सात में आपको स्लिप भरना है, और आठ में ऑक्सीजन, नौ में आपको प्लांट भरना है, और दस में आपको जो है रेन ड्रॉप्स। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो है आपका उत्तर हो जाएगा फ्रूट्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ट्वेल्व में आ जाएगा आपका सही उत्तर होगा फास्ट का हो जाएगा स्लो। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्टीन, आंसर में करना है सन, और यहाँ पे आपका हो जाएगा टॉय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फोर्टीन, फोर्टीन में जो है फोर्टीन का आपका उत्तर हो जाएगा सेट द सनशाइन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, फिफ्टीन का जो है ये आप इनका आंसर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में जो है आपको पहले में लिखना है लीव्स, बेबीज, और यहाँ पे लिखना है बसेस। इसके बाद है 17, 17 का आंसर आपको यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद आता है आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 में जो है आपको यहाँ पे लिखना है ट्रू, यहाँ पे हो जाएगा आपका फाल्स। इसके बाद आता है आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 में जो है यहाँ पे ई लिखा है, तो इसको जो है पूरा आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका हो जाएगा अर्थ, और एप से आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा फ्रूट्स। तो इस तरह आपको कर लेना है। तो यहाँ से देख के आपको इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, 20 में है ड्रॉ द पिक्चर ए ट्री एंड राइट कम सेंटेंस अबाउट इट। ये आपका ट्री दिया हुआ है, इसके बारे में जो है आपको सेंटेंसेस बना के लिखना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा फोर पॉइंट जो है हमने लिख दिए हैं, यहाँ से देख के जो है आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेसन फाइव, लेसन फाइव में है फन विथ लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन आता है आपका, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका सी नंबर इंग्लिश। सेकंड का आपका हो जाएगा नाउंस। इसके बाद आता है आपका थर्ड, थर्ड का आंसर होगा सी नंबर अजय। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर बॉल। फिफ्थ का है, फिफ्थ का उत्तर हो जाएगा आपका लॉक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो यहाँ पे जो है ये वर्ड दिए हुए हैं, इनको जो है आपको खाली स्थानों में भरना है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स भर लेना है, प्लेग्राउंड, आठ में आपको भरना है सी, और नौ में भरना है आपको लीव्स, और दसवें में भरना है आपको ग्लैड। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन में जो है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा अजय टीचर एम आर सिंह। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है नाउन।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, जैसे चित्र को देख के जो है आपको नाम लिखना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रेन, यहाँ पे लिखना है बैग। इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 16, तो ये रहा आपका 16 का आंसर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको जो है यहाँ से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर अच्छे से दिख नहीं रहा है, आप लिख लीजिएगा बिकॉज हीज स्टूडेंट वे आर डूइंग समथिंग गुड, तो इस तरह आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है हमने यहाँ पे कर दिया है, तो आपको जो है इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में है कंप्लीट द लेटर बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवेन बिलो इन द बॉक्स। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आपको लिखना है डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपको भरना है टू इन्फॉर्म, टू सेलिब्रेट, माई रेसिडेंस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लिखना है आपको मेमरीज, और यहाँ पे डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको भरना है वेटिंग, तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो है आपका ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को जो है पढ़ के आपको आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज राहुल फेवरेट स्पोर्ट, तो आपका ये एक आंसर आपको यहाँ से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका बी, तो यहाँ आपका बी का आंसर लिखा हुआ है आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सी, तो आपको यहाँ पे सी का आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका डी, तो यहाँ से आपको डी का आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका ई, क्वेश्चन नंबर ई का आंसर तो आपको यहाँ से कर लेना है, लिखा है कम। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी वीडियो कम्प्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।